हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। आज हम ये धान का रोपा डालने वाले हैं। ये हमारी धान, ये 3 किलो के पैकेट में आती है। धान्यश्री ये धान है, धान्य सीड ये धान है, DRH 775। ये 110 दिन की है, 110 दिन वाली वेराइटी है। ये मिल क्वालिटी वाली ये धान है, काफ़ी बढ़िया धान है। इस पर लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है जो है कि 1020। बाकी हमें ये 900 कुछ मिला है। आपको आपके डीलर के साथ दुकान पर आपके जिससे व्यवहार है आपको उस रेट में मिल जाएगी। ये देखिए, हम इसको खोल रहे हैं। इसको हम पानी में भिगोएंगे, इसको 1 या 2 दिन हम पानी में भिगो के रखेंगे इसको। उसके बाद हम इसको डालेंगे। ये हमारे टप हैं, हम इसमें डालेंगे। ये हमने हमारे ये खले में ही हमने बना के रखा है, ये खेत यहाँ पर है। इसको हम मचा के यहाँ पर डालेंगे इसको। इसकी वीडियो मैं आपको बताऊंगा, आगे डालूंगा मैं इसकी वीडियो भी। अब ये देखिए, हमने बनाया है, इसमें भी मचा के इसको रोपा डालेंगे हम। ये हमारी धान है, ये भी हम जानता है गोल्ड। इसको हम डालेंगे तब मैं बताऊंगा इसको ये किस काम का है। इसको साइड में रख देते हैं हम अभी। ये फंगिसाइड है, लिक्विड में है ये फंगिसाइड। हम इसको 10 से 20 ml डालेंगे एक टप में, ताकि इससे हमारा दाना जो है ख़राब ना हो पानी में भिगोने में। ये देखिए, हम पानी डालेंगे इसमें, हम पानी भर रहे हैं। ये डाल रहे हैं हम दवाई, ये देखिए 20 ml एक टप में। इसके बाद हम हमारी ये धान डालेंगे। ये अब धान डालेंगे हम इसकी। इसको मैं पूरे यहाँ लगने से लेकर कटाई तक की मैं पूरी वीडियो डालूंगा, आपको पूरे बताऊंगा इसके कैसी क्या पैदावार है। आप देखिए, ये डाल दिया हमने तीनों टप में। हम इसको बराबर बराबर डालेंगे और पानी से भरेंगे। बताऊंगा आपको पानी भी कितना डालना है धान में। ये हमने पानी डाल दिया। ये हमारे दूसरे टप में भी धान डल रही है। हम तीसरे टप में भी डालेंगे धान को। तीनों टप में बराबर बराबर धान होना है। बराबर बराबर धान डालेंगे हम तीनों टप में, ताकि धान भी एक समान रहे, पानी भी समान रहे, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए इससे। याद रहे हमें तीनों टब में एक समान धान रखनी है, कम ज़्यादा नहीं रखना है। बराबर पानी में डालें, पानी इतना डालें कि हमें धान से 1 या 2 इंच ऊपर पानी हो, इतना पानी डालें टब में। चलिए, आप मिलता हूँ आपसे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।